गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल। आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर डिप्रिसिएशन चैप्टर का एक प्रॉब्लम सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ओके, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। ए फर्म परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल 2009 सेकेंड हैंड मशीन 36,000 और 4,000 रुपया उसका इंस्टॉलेशन, दैट इज मशीन का दाम हो गया 40,000। 1 अक्टूबर उसी ईयर में 1 अक्टूबर में एक दूसरा मशीन परचेज किया 20,000 का, तो 9, 10 बना लेंगे। 9 वाला इस मशीन पे 1 ईयर का डेप्रिसिएशन, इसके ऊपर 6 मंथ का। उसके बाद 10, 11 भी बना लेंगे, डेप्रिसिएशन हो जाएगा। थर्ड ईयर में अक्टूबर 6 महीना बाद जो 1 अप्रैल 2009 को मशीन परचेज किया था उसको 12,000 में बेचा है और उसी दिन एक नया मशीन 64 का परचेज किया है। डेप्रिसिएशन देखिए 31 मार्च लिखना है, रिटेन डाउन वैल्यू में था 10%। तो 1 अप्रैल 2009 में और 1 अक्टूबर सेम ईयर 2009 में ही दो मशीन हो गया उसका। पहला मशीन 1 ईयर, दूसरा 6 महीना का डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। फिर 10, 11 में आएंगे, 1 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे और 11, 12 में आके 6 महीना बाद वो पहला वाला मशीन को 12,000 में बेच के एक नया मशीन परचेज कर लेगा 64,000 में, उसका डेप्रिसिएशन कर देंगे। सेल पे प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, डेप्रिसिएशन 10% होगा। रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, मशीन अकाउंट अप्रैल 2009 से लेके मार्च 2013, 4 साल तक का आपको मशीन अकाउंट बना के दिखाना है। तो ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ठीक, ये रख दिया आपके सामने मशीन अकाउंट। सबसे पहले 2009 अप्रैल 1 एक मशीन परचेज किए हैं टू कैश अकाउंट, मशीन 36 का है, उस पर इंस्टॉलेशन 4,000 दिए हैं, दैट इज 40,000। उसी ईयर में अक्टूबर 1 एक दूसरा मशीन परचेज किए हैं टू कैश अकाउंट, वो सेकेंड मशीन का कॉस्ट लगा है 20,000 और कुछ करना नहीं है। 2010 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, जितना डेप्रिसिएशन होगा उसको बाय में रिकॉर्ड कर देंगे और सेम डेट बाय बैलेंस सीडी कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1st ईयर का मशीन अकाउंट। ये 40,000 का मशीन बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप्रैल में परचेज किए थे, साल भर का डेप्रिसिएशन होगा कंप्लीट ईयर 4,000। इसको अक्टूबर में खरीदे थे 20,000, 6 महीने का डेप्रिसिएशन होगा 1,000, तो 4 और 1, 5,000 डेप्रिसिएशन हो जाएगा। 60,000 टोटल है, 60 में से 5 माइनस करेंगे, 55 बचेगा। क्लियर, यहाँ आ जाएंगे 2010 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी 55,000। अब यहाँ आ जाएगा 2011 मार्च 31 बाई डेप्रिसिएशन। क्लियर है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। 55,000 का 10% 5,500, ये हो गया 55,000। यहाँ ले आइए 55,000, बचेगा आपका 49,500। सेम डेट बाई बैलेंस सी बाई डी और यहाँ आइए 11 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी 49,500। आपको वर्किंग करके दिखा देते हैं, डेप्रिसिएशन का वर्किंग जरूरी होता है। ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेशन करके अकाउंट बना दिए, वर्किंग करके दिखा देते हैं। डेप्रिसिएशन फॉर 2009-10, फर्स्ट मशीन था 40,000 का, 10% डेप्रिसिएशन 4,000,
सेकेंड मशीन था 20,000, 10% डेप्रिसिएशन 6 महीना का 1,000, टोटल डेप्रिसिएशन 5,000। ओके, सेकेंड वाला डेप्रिसिएशन फॉर 2010-11 डिमिनिशिंग बैलेंस भय मेथड है, तो आपका वैल्यू बचा हुआ है 55,000, उसका 10% 5,500। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में मशीन का जो बुक वैल्यू आता है उसी के ऊपर डिप्रिसिएशन कर देते हैं। सेकेंड ईयर में 55,000 बुक वैल्यू था, बुक वैल्यू का 10% 5,500 कर दिए, अब बुक वैल्यू बचा हुआ है 49,500। ठीक है, आप एक बार क्वेश्चन को देखो फिर से, यहां देखो आप, हम लोग यहां पहुंच गए हैं। 1st October 11, दैट इज आफ्टर 6 मंथ, April 9 वाला मशीन को 12,000 में बेचा और उसी दिन एक नया मशीन परचेज किया 64,000। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं है। हम लोग यहां पे आते हैं, वर्किंग करते हैं प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। ये वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वर्किंग नंबर 3 प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। जिस मशीन को बेचा है कॉस्ट एज ऑन, उसको 1409 में परचेज किया गया था 40,000 में। यहां डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 10% 4,000, बचेगा आपको 36,000, इसका डेट हो जाएगा 1410। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा आपका 10%, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है तो 3600 का 10% करेंगे, स्ट्रेट लाइन होने से 40 का, डिमिनिशिंग होने से 36 का 10% 3600, ये आपको बचेगा 32,400, इसका डेट हो जाएगा 1st April 11। और यहाँ पर बेचना है आपको अक्टूबर में, 10% डेप्रिसिएशन 6 मंथ, तो इसके ऊपर साल भर का होगा 3240, 6 मंथ का 1620, यहां बचेगा आपको 30780, इसका डेट हो जाए 1 अक्टूबर 11। और इसको बेचा है सेल वैल्यू, ठीक है, सेल वैल्यू इसको बेचना है आपको मात्र 12,000 में, तो यहां पर आपको लॉस हो जाएगा 18,780, दिस इज लॉस ऑन सेल। क्लियर, फिर से देखो आप, 40,000 का मशीन परचेज हुआ, 4,000 डेप्रिसिएशन, 36 का 10% 3600, 32,400, 6 महीना बाद बेचे हैं तो 6 महीना का डेप्रिसिएशन इसका 3240 हो रहा है, उसका हाफ कर दिए, ये आ गया 1 अक्टूबर का वैल्यू, 12 में बेच दिए, 18,780 का लॉस हो गया। ठीक है, अब चलिए इसका एंट्री करते हैं। ये रहा आपका 2011 अक्टूबर 1 बाई डेप्रिसिएशन, 6 मंथ का जो मशीन बेचा गया है उसका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुआ 1620। सेम डेट मशीन को बेच दिया गया बाई कैश अकाउंट 12,000, सेम डेट बेचने में लॉस हुआ बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 18780, सेम डेट अक्टूबर 1 एक नया मशीन परचेज कर लिया गया, ओल्ड मशीन बेचे हैं तो उसकी जगह पे एक नया मशीन परचेज किए 64,000। क्लियर है, अब हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा 2 मशीन का बुक वैल्यू बचा हुआ है 49,500, इसमें से एक मशीन बेच दिया गया तो उस मशीन का बुक वैल्यू जो 1st April को था वहां से एक्सक्लूड करा देंगे, उसके बाद साल भर का डेप्रिसिएशन होगा। नया वाला मशीन अक्टूबर में खरीदा गया, इस पे 6 महीना का डेप्रिसिएशन होगा। उस वर्किंग को आप ध्यान से देखो, वर्किंग नंबर 4 डेप्रिसिएशन फॉर 2011-12, जो हमारे पास मशीन बचा हुआ था वो था 49,500, उसमें से
फर्स्ट वाला मशीन बेचा गया, उसका बुक वैल्यू देखिए ये रहा 32,400। डेट को मैच कराना पड़ता है, 1 अप्रैल 11, 1 अप्रैल 11 में 49,500 के अंदर था 32,400, इसको हटाए 10% डिप्रिसिएशन, क्लियर है। और नया मशीन आया 64,000 का, 10% डिप्रिसिएशन, अक्टूबर में आया था तो 6 महीने का डिप्रिसिएशन होगा। तो यहां से 49,500 से 32,400 माइनस कर दिए तो 17,100 बच गया, 17,100 का 1,710 और इसका 3,200, 910, 4,910 ले आते हैं इसको बाई डेप्रिसिएशन के नाम से, ईयर हो जाएगा 12 मार्च 31st, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 4,910, इसी डेट को बाई बैलेंस सीडी, सेम डेट बाई बैलेंस सीडी करना होगा 113,500। अब सीडी निकालते हैं, ये हो गया 9, 11, 18, 20, 10, 17, 36, 25, 6, 4, 7, 76,190 यहाँ आ जाएगा आपका 2012 अप्रैल 1, टू बैलेंस बी डी 76,190। अच्छा, इस ईयर में कुछ नहीं किया है तो कुछ परचेज सेल नहीं किया है तो मार्च 31st बाई डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जो बचा हुआ है उसके ऊपर 76,190, क्लियर है। अब बाई बैलेंस सी डी 76,190, 76,190, ये बचेगा आपका 1,7,5, 68,571, 68,571। कैलकुलेशन एरर को अवॉइड करना होगा, धीरे धीरे वर्किंग को कीजिए, कैलकुलेटर का हेल्प ले लीजिए। नंबर 5 वर्किंग दिखा देते हैं, डेप्रिसिएशन फॉर 2012-13 में कोई मशीन परचेज नहीं किया था, उसके पास 76,190 का मशीन बचा हुआ है, 10% डेप्रिसिएशन 76,190, ओके। ऐसे करके पूरा डिटेल वर्किंग दिखा दिए, देखिए चारों ईयर का डेप्रिसिएशन दिखा दिए, क्लियर है, ठीक है, इजी हो फिर भी आप वर्किंग को दिखाइए, जब सेल करेगा तो प्रॉफिट और लॉस दिखा दिए। ये आपके सामने बना दिए 4 साल का मशीन अकाउंट, शुरू शुरू में 2 मशीन परचेज किया था, उसको 2 कैश करके एंट्री किए बाय डेप्रिसिएशन सीडीबीडी। सेकेंड ईयर में कोई परचेज सेल का ट्रांजैक्शन नहीं था, जो बचा हुआ था उस पर डेप्रिसिएशन निकाल के सीडीबीडी। थर्ड ईयर में 1 मशीन बेचा है तो उसका डेप्रिसिएशन सेल लॉस रिकॉर्ड किए, 1 मशीन परचेज किया था तो 2 मशीन का आप डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करके सीडीबीडी। लास्ट ईयर 9 परचेज 9 सेल, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर दिए, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए मेरे साथ साथ, धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।